हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने UGC NTA NET इंग्लिश लिटरेचर के लिए अपनी कुछ वीडियो बनाई हैं और आगे भी मैं ये कोशिश करती रहूँगी कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो देखिए, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक स्मार्ट वर्क मानता है। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो परचेज कर ली हैं, फिर आप उनको पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे। तो हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं भाई, बुक्स वगैरह परचेज की हैं, आप उसे पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं उन बुक्स की, लेकिन जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, आपको ये देखना होगा कि टॉपिक जो है वो कंक्लूजन उसका क्या है और उस टॉपिक से जो निचोड़ है वो क्या निकल के आता है। आप उसकी लिस्ट बनाइए, अकॉर्डिंग टू लिस्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ऑथर। अगर आप इस चीज़ को कवर करते हैं तो ईजिली आपको पीरियड भी याद रहेंगे, ऑथर्स भी याद रहेंगे, और जो उनके वर्क था अकॉर्डिंग टू वर्क, मैंने जैसे कहा, तो अकॉर्डिंग टू वर्क भी आपको याद रहेगा, किस एज में कौन सा राइटर हुआ, किस एज में उसने क्या वर्क किया और किस पीरियड में उसने किस चीज़ को पब्लिश करा है। ये अगर क्रोनोलॉजी आपको याद रह गई तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा UGC NTA NET जो है वो इंग्लिश से एग्ज़ाम देना। अब जो मैंने वीडियो बनानी है वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही बनाई है, ताकि क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी ढंग से पढ़ाती हूँ ताकि उनको बहुत सारी चीज़ छोटी सी मतलब एक लिस्ट में कवर हो जाए और जो हमारे लिए हेल्पफुल है एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे कंटेंट है वो उनको प्रोवाइड हो जाए, तो मैं ये इसी कोशिश के साथ में मैंने ये वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे सभी बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं PGD PGT की इंग्लिश से और प्लस UGC NTA NET की इंग्लिश सब्जेक्ट से, इंग्लिश लिटरेचर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको एजेज़ या मैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट क्योंकि बना रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू एजेज़ मैंने सबसे पहले लिस्ट कवर की है। अब दूसरा अकॉर्डिंग टू लिस्ट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वर्ड्स की जो लिस्ट है मैंने वो आपको जो है प्रोवाइड कराई है। आप थोड़ा मेरी वीडियो देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये मेरी आप सब लोगों से एक तरह से कहा जाए तो ये एक अप्रिसिएशन होगा मेरे लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो बेहतर।